I welcome you all in our exclusive numerology course. I hope last class का सबको क्लियर है. हमने वैसे बहुत कुछ करा नहीं था, वैदिक रीड करी थी एंड नंबर वन के बारे में करा था. किसी को कोई क्वेरी? हैज न्यू स्टूडेंट्स गॉन थ्रू? न्यू स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड, एक बार पता चले किस किस ने आज ज्वाइन करा है. रेनू जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड मैम, आफ्टरनून. मैं रिवाइज कर रही थी तो मेरी दो तीन क्वेरीज हैं। पहला है, आपने बोला था कि 19 इज अ कार्मिक नंबर, तो व्हाट डज दैट मीन? कार्मिक नंबर क्या है? चले आज तीनों क्वेरीज अभी पूछ लो, फिर आप वन बाय वन आंसर कर दीजिए। पूछो पूछो. 19 देखिए, पहला कार्मिक का मतलब ये होता है कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्मास किए थे जिसकी वजह से इस जन्म में आपको ये नंबर मिला है. यानी कि आपका प्रारब्ध ऐसा था कि आपको इस जन्म में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी. ठीक है, तीनों चारों कार्मिक नंबर्स की अलग अलग प्रिडिक्शन है. जैसे 19 जो है वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, 13 जो है ये आपको एक्स्ट्रा स्ट्रगल देगा लाइफ में, 14 जो है ये बिजनेस में सेटल नहीं होने देगा या जॉब में सेटल नहीं होने देगा, 16 जो है ये रिलेशनशिप इशू देगा. तो चारों कार्मिक नंबर के अलग अलग प्रेडिक्शंस है, करेंगे उस पर पूरी क्लास करेंगे हम अपनी. ओके और मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि जब हम 19 को ऐड करते हैं तो पहले 10 आता है, 9 प्लस 1 10, और फिर 1 का वो 1 आता है, तो उसमें 10 आने की वजह से क्या उस पे 10 का इफेक्ट भी रहेगा, थोड़ा बहुत नहीं असर नहीं रहेगा कि ओनली बस? 19, नो नो, 19 एंड 1. ओके ओके एंड थर्ड क्वेश्चन इज, जो आपने पीडीएफ भेजा है उसमें नीचे हर एक के लिखा है मिसिंग नंबर और फिर कुछ चीजें लिखी हैं, तो डज दैट मीन कि अगर हमारा जैसे 1 है तो 1 अगर चार्ट में मिसिंग है किसी के, तो वो चार्ट का नंबर होगा या क्या है? वो मुझे नहीं समझा, मिसिंग नंबर मतलब। करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके थैंक यू मैम, बस मेरे ये 3 क्वेरीज थे, थैंक यू। अमन जी, अच्छा, अमन जी की फर्स्ट क्लास है ना? जी मैम, आपने वीडियो को थ्रू करी अमन जी? क्लियर करीब क्लियर है वैदिक ग्रिड कैसे बनानी है और नंबर? इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, क्या कर रखा है ऑकल्ट साइंस में? मैम, ऑकल्ट में तो कुछ नहीं किया है, लेकिन इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत नॉलेज भी है वीडियोस वगैरह देख के। और मैं यूपी बरेली से हूँ, यूपी से। हाँ, काफ़ी इंटरेस्ट था आपकी वीडियोस, बहुत 1-1.5 महीने से देख रहा था, तो इंटरेस्ट हुआ थोड़ा, तो फिर पता लगा कि दिन का भी बैच है, रात में टाइमिंग थोड़ी सूट नहीं करती, तो मैंने फॉरन ज्वाइन कर लिया। चलिए, वेलकम टू एसआर के अमन जी. थैंक यू मैम, थैंक बलजीत जी, जी मैम, नमस्कार। नमस्कार बलजीत मैम, जैसे आजकल मतलब जो 2000 बॉर्न है उनके पास तो बहुत कम नंबर है ना? जी. हाँ, तो कोई तो इशू नहीं उस है ना, दशांतर दशा से नंबर एक्टिव होंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे. ठीक है मैम, जैसे मेरे बेटे का मैम 28 मतलब नवंबर है, तो उसका टू कोई एट भी और काम सेट ट्रिपल वन नहीं हो रहा। आपने बोला था कि 28 का मतलब एक बार डाउन फिर अप, सेवन डाउन है अप। चार्ट में, सेवन. नहीं, 7 नहीं है। हाँ, तो देखो, जब भी अभी हम आगे जाके योगा करेंगे आपको और क्लियर होगा. 28 नवंबर है, तो आप वैदिक ग्रिड देखोगे तो 2, 8 और 1 1 है ना, तीन नंबर्स ही हैं चार्ट में. तो जो वन के हाँ ऊपर एट का जी, एस्पेक्ट पड़ेगा तो वन, एक उसकी इम्यूनिटी भी लो रहेगी, एक बार हाँ लाइफ में जी, जीरो जरूर होगा, फादर को भी हेल्थ इश्यूज रहेंगे, फादर के साथ लैक ऑफ ओपिनियन रहेगा, ये सब देखेंगे हम आगे जाके. ठीक है मैम। उसके पास 2, 8, 4, 1 1 और 9 है। अभी वेट करो, अभी पहले नंबर डिटेलिंग समझ लो, क्योंकि 81 कॉम्बिनेशन इसी से बनेंगे. पर मैम वैसे ही हो रहा है उसके साथ, जैसे आपने बताया है ना कि 28 वाले एक बार अप जाएंगे फिर बिल्कुल डाउन 0 लेवल पे, और अभी अभी उसके साथ फ्रॉड हुआ है, उसका 20-25 लाख रुपए डूब गया है ना, तो कोई बड़ी टेंशन में हूं मैं। बात नहीं, कर लेंगे बलजीत जी, रेमेडी करेंगे. पहले तो देखेंगे अभी दशा क्या चल रही है, उसी का इफेक्ट होता है. प्रेजेंट टाइम दशा से पता चलती है, लाइफ टाइम हमारे अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये योगास बताएंगे, ये नंबर्स बताएंगे. थोड़ा ठीक है मैम, सा ठीक है, वेट करो, आप थैंक बहुत यू। आगे का क्वेश्चन पूछ रहे हो अभी.
ठीक है मैम, टेंशन होती है ना तो ये होता है कि पहले ही पूछ ले। नहीं, आई कैन रियली अंडरस्टैंड, बट मैं आंसर मैं तो दे दूंगी, लेकिन बाकी सब बच्चों को लगेगा कि हम तो ऐसे कर नहीं पा रहे, ये मैम ने हमें पढ़ाया नहीं, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके रश्मि जी, जी राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम क्यूरी तो कोई नहीं है मैम, बस जस्ट ऐसी अभी क्लास आपकी फर्स्ट टाइम अटेंड किया ना मैम, इसलिए हैंड रेज किया था। अच्छा, आज आपका फर्स्ट डे है, चलो इंट्रोडक्शन दो फटाफट से ब्रीफ। मैम मैं रश्मि गोयल करनाल से हूँ मैम, हरियाणा। न्यूमरोलॉजी की है पहले मैम, बट तो अभी वो सेटिस्फेक्शन अभी नहीं आई अंदर से ना कि सब कुछ आ गया है। आपके न्यूमरोलॉजी में वेबिनार्स क्या वगैरह करा, शेल्डियन क्या करा वे न्यूमरोलॉजी में? ही की है मैम, शेल्डियन लोशो। अच्छा, हाँ वहां से तो बट आएगा भी नहीं कॉन्फिडेंस। हाँ मैम, क्योंकि ये एस्ट्रो के साथ कनेक्टेड है ना मैम, तो अलग से मैं सोचूंगी एस्ट्रो अलग से नहीं करने से अच्छा है इसके साथ ही अगर कंबाइन हो जाए तो ज्यादा बेटर, अच्छी प्रेडिक्शंस निकल गया। मैंने आपकी देखी है ना मैम वेबिनार, तो मुझे अच्छा लगा मैम, मैंने ओके जी, कहा चलो वेलकम टू दोबारा से एसएलएम। करते हैं। थैंक यू जी। ओके मैम, माला गोयल जी, राधे कृष्ण मैम। राधे कृष्ण। मैम बस हेलो ही बोलनी थी आपको, मेडिकल न्यूमरोलॉजी कर चुकी हूँ, एक शॉट देख चुकी हूँ, तो इस क्लास में नहीं हूँ मैम तो इसलिए हैंड रेस किया, अदरवाइज अच्छा, ओके कुछ ओके ओके, कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन दे दो, मैं मुझे याद रहता नहीं है। क्या कर रखा है आपका साइंस में पहले से? मैम ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं कर रखी है बट अच्छा, मतलब क्लैरिटी जोन मुझे और चाहिए था, तो मुझे लगता है कि जहां को मिला मैम वो कर सकती हूँ। मैंने न्यूमरोलॉजी पहले भी कर चुकी हूँ, टेरो कार्ड भी कर चुकी हूँ, बट फिलहाल विनी मैम के साथ अभी उस कोर्स में भी हूँ, एडवांस टेरो कार्ड में। और मुझे लग रहा है मुझे शायद डेस्टिनेशन मिल गया है, और इसके बाद मैं आप ही से पूछूंगी हाउ टू प्रोसीड विद माई प्रोफेशनल लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे इतने लायक हो जाओ कि आप खुद डिसाइड कर सको, मेरी जरूरत पड़ेगी नहीं। नहीं मैम, आप लोग के गुरु के बगैर कहाँ चल पाएंगे मैम। गुरु ही तो नहीं सिखा रहा है, मैं ही तो सिखाऊंगी तो मैं ही, पर डिसाइड तो आप खुद करोगे। मार्क भी आप ही को दिखाना पड़ेगा मैम, हमें तो मार्क कुछ दिखता ही नहीं, बंद हुए पड़े अभी फिलहाल तो मार्क। फिलहाल मुझे इतना तो पता लग गया मेडिकल न्यूमरोलॉजी से कि मैम मुझे, मैं अपनी सोसाइटी में आई एम नोन कि कुछ ना कुछ इसको होता है, वो है माला। तो आज ओके, मुझे समझ में आ गया मैम, मेरा बर्थ और डेस्टिनी 5 और 4 है, तो मेरे साथ होगा ही होगा। तो अच्छा, मेडिकल न्यूमरोलॉजी कंग्रेचुलेशंस। से समझ में आ गया, और फिलहाल तो अंतरदशा महादशा भी इसी की चल रही है। ओके ओके तो ओके, बट ये है कि सही टाइम पर मैम आप मिले, और जैसी वो दशा स्टार्ट हुई है तो मुझे अब उसको कैसे रेक्टिफाई करना है वो चीजें पता लग गई है, तो आई हैव ऑलरेडी स्टार्ट डूइंग मतलब उसके अकॉर्डिंगली जो आपने बताया था मेडिकल न्यूमरोलॉजी में। तो रियली ओके, लव यू मैम, बचा लिया गॉट मैम इट। चलो आपने। जी, वेलकम मैम अगेन माला जी। एक छोटी सी क्वेरी थी मेरी, आई हाँ हाँ नो बोलो। शायद ये राइट टाइम नहीं है मैम, बट हाँ मैम जैसे आप वेबिनार्स देखे थे तो लोगों ने आपसे पूछा था कि भी घर लेना चाहते हैं, तो आपने बोला था नहीं इस साल रुक जाइए, तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बता सकते हैं कि मैम ले या नहीं, बिकॉज ये जस्ट वेबिनार से पहले का ना मेरा एक डील अटका हुआ है, हमने अपना घर लेना है मैम, तो वो डील अटका हुआ है, तो तब से मैंने हस्बैंड को अटका रखा है कि पता नहीं हम लोगों को सुटेबल रहेगा या नहीं, तो दैट डील इज वेरी नाइस मैम, बट थोड़ा सा बस वो मन में वेबिनार सुन के वो आ गया कि हम इस साल करें या नहीं, तो कैन यू टेल मी द सम कॉम्बिनेशंस की अगर महादशा ये वाली है तो वी शुड नॉट प्रोसीड फॉर द डील, ऐसा कुछ है। बालाजी, हर महादशा में हम घर नहीं ले लेंगे, उसके लिए समझना पड़ेगा कि चार्ट में वो नंबर आके क्या कितना रिपीट हो रहा है, क्या योगा फॉर्म कर रहा है, वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ओके मैम, हम कब कब तक पहुंचेंगे मतलब इस लेवल पे, मतलब पहुंच कब तक जाएंगे इसको। 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते में। ओके मैम, एक लास्ट चीज और बताइए, जैसे ये मल मास शुरू होएगा 18 जुलाई से राइट, तो मैम इसमें हम अच्छे शुभ के काम, जैसे घर घर लेना है या गाड़ी एक लेनी है या थोड़ी कुछ है, कॉपी चाहिए था ऐसे ना मेरे शुभ के को, काम नहीं वो करने चाहिए सिपरी क्या। वाली। सिर्फ और सिर्फ मांगलिक कार्य मना होता है, बाकी हम कर सकते हैं। वो मैं सिखाऊंगी कि मुहूर्त कैसे निकालना है, कौन से डे पे ले सकते हो। वी विल डू दैट।
ओके, थैंक यू सो मच, लव यू। ओके, गॉड ब्लेस यू ममता जी। हेलो मैम। हाँ जी ममता जी, पहली बार आए हो क्लास में? हाँ हाँ मैम, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मैंने आपका वेबिनार भी नहीं देखा, बट मेरी फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली में रहती है लता जी, उनके थ्रू मुझे पता चला था, उन्होंने आपसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की है। तो एक्चुअली मैं खुद मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टफ हो रखी हूँ, तो मैंने कहा कि न्यूमरोलॉजी का वैसे कुछ नॉलेज है, डाउजिंग कर रखी है, टैरो कार्ड कर रखा है, बट न्यूमरोलॉजी का मैंने प्रोफेशनल कोर्स कहीं से नहीं किया था। काफी प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ बट कहीं से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। तो ओके, लता जी से आपके बारे में इतना कुछ सुन लिया कि फिर मैंने सोचा कि चलो फिर यहीं पे ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। थैंक चलो दैट्स ग्रेट ममता जी, वेलकम टू एसआर के। यू। यश शाह जी। यस मैम, फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ आपके वेबिनार में, जी जी इसके लिहाज के, और पहला ओके थोड़ा मैडम, किया है, हाँ ओके लोसो ग्रीड वगैरह थोड़ा किया है, दो दो ओके सर के पास किया, अलग अलग जगह किया है, तो आपका भी ओके थोड़ा इफेक्टिव लगा, वेबिनार वगैरह देखा है, इसके लिए इन्वॉल्व हो गया, बहुत टाइम से ऐसा फॉलो करता है, लेकिन अभी ये बार मुहूर्त अच्छा लगा, इसके ज्वाइंट हो गए। चलिए, थैंक यू सो थैंक मच, यू, ओम वेलकम टू साई आवर राम। सर्कल। यस जी, ओम साई राम। मधु यादव। साई ओम साई राम मैम। राम मधु जी, फाइनली आ मैम गए आप न्यूमरोलॉजी में। जी प्रोनोलॉजी तो मैंने आपसे की थी, विन्नी मैम से टैरो कार्ड, सिद्धिया मैम से ग्रीन तारा माँ, मैंने तो कहा ही था आपसे कि प्लेटफॉर्म पे जुड़ती रहूंगी और सीखती रहूंगी अपना भी उद्धार करना है, लोगों को भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो न्यूमरोलॉजी का तो मैम था ही शुरू से, मुझे सीखनी ही सीखनी का। ओके। मधु यादव जी थैंक को यू। टैरो कोर्स करके भी बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। हाँ जी हाँ जी, कॉन्फिडेंस आया मुझे, इनफैक्ट जहां से मैंने पहले से किया था उसके बाद मैंने वो शो नहीं किया, और सोचो मैंने आपका प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया उसके बाद मेरे अंदर इतने कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं जाके टीवी पे शो कर सकती हूँ, और फिर यूट्यूब पे भी, मतलब काफी अच्छा लगा मुझे सीख के टेरो और मेडिकल प्रोनोलॉजी। आपसे मैंने आपको रिव्यू भी दिखाया था कि किसी को बता के ही मैंने कैंसर के पेशेंट को इतना रिलीफ और वो कर दिया कि वो कह रही थैंक यू सो मच, तो मैम ये सब आपकी वजह से है। नहीं, आपका एफर्ट है। देखो हम तो सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, पर हर कोई सेलिब्रिटी नहीं बन जाता। मधु यादव बिल्कुल एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, इनको इंटरव्यू भी हुआ है इनका, और काफी अच्छे लेवल पे अभी कर रहे हैं। चलो थैंक कीप यू मैम, थैंक यू सो मच, राइजिंग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। लता ताकुली जी। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते लता जी। आप मैम आप पढ़ाती ही बहुत अच्छा है, मन ही नहीं करता आपसे दूर जाने का, लेकिन करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। मैम एक क्वेश्चन है मेरा, कल हाँ बोलिए। ना कल वो वेबिनार में जब सभी मेंटर्स आए थे, सारे गुरु आए थे, तो एक मैम ने कोई पैर की प्रॉब्लम बताई थी, उसमें क्या उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, उसमें क्या घुटने के नीचे नसें सूज जाती हैं क्या? हाँ, वेरिकोस वेन्स बोला था ना, उसमें हाँ वो क्या चीज होती है वो समझना था मुझे। हाँ क्या होता है कि आपकी फीट की मसल्स ना फूलने लग जाती है, नर्व्स फूलने की वो वजह नीले से, नीले जो हाँ नीले नीली नीले नीली दिखती निशान आ हैं। जाते हैं, हाँ, और पैरों में बहुत दर्द होता है। हाँ मैं मेरे ना चाची को है, मैं अभी गांव गई थी तो वहां मैंने आपकी क्लास भी अटेंड करी थी, तो उनके बहुत ज्यादा पेन होता है, और जब बादल लगते तो और ज्यादा होता है, तो मैं उनको क्या रेमेडी दे सकती हूँ? उनको वो कह भी रही थी लता मेरा ठीक कर जा ठीक कर जा, मैंने कहा चेक चाची एक करना, दिन से नहीं वो होता। चेक करना, कल डॉक्टर राघवी ने वहां पे वो कुछ बताया था ये लगाने का, राइट पे और लेफ्ट हैंड पे, और हम तो कोर्स में करेंगे। अच्छा इसमें करेंगे, ठीक हाँ है करेंगे, मैम, अगर मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि वो हमारी बहुत सेवा करती हैं और मेरी बहुत फेवरेट चाची हैं, बहुत बिल्कुल बिल्कुल कर काम करती हैं, पाओगे। बहुत ज्यादा, हाँ बहुत अभी ज्यादा काम फिलहाल के करती लिए हैं। आप उनको कलर थेरेपी दे देना, बट बाकी हम कॉम्बिनेशंस अच्छा भी करने वाले हैं कि हम कैसे चेक करेंगे कि वेरिकोन वेन्स क्यों है, कौन सा प्लैनेट दे रहा है,
और फिर उसका सॉल्यूशन। नहीं मैम, डीओ भी तो नहीं मिलेगी क्योंकि गांव के लोग, आपको तो पता ही है, उस जमाने में पैदा हुए हैं और गांव में, और उत्तराखंड में तो खेतों में ही यूं ही बच्चे पैदा हो जाते हैं, कोई दिन भर नहीं मिलता क्योंकि बहुत काम करना पड़ता है लेडीज को। तो आप एक काम करो, फिर आप उनको शनि की रेमेडीज तो दे ही सकते हो। देखो वेरिकोज वेन्स जो है ये शनि का ही कारक है ना, बिकॉज हम फीट भी अच्छा शनि ठीक से देखते हैं और नर्व्स भी है, शनि ठीक का कारक है ना, तो एट कॉम्बिनेशन तो डेफिनेटली उनका एट एफ्लिक्टेड होगा। तो आप उनको शनि की और वो कलर थेरेपी दे देना जो कल उन्होंने कराई थी, तो मैम। लेकिन चक्कू वाला। वहां पर ना वो दान करने वाली चीजें नहीं मिलती, लोग नहीं मिलते उस तो हिसाब बाद से, में मंत्र जैसे दे दिल्ली देना, में हमने तो। तो कितनी सारी रेमेडीज करी है मेडिकल में। अच्छा नहीं मैम, कह रही थी ना कि पैर को ऊपर करके वो बांध दो और वो वाला दे दूं बांधने वाला। ठीक हाँ दे दो, दे दो। प्रभाकर है मैम, थैंक यू मैम। हेलो राव जी। मैम, हाँ जी हेलो मैम, एपी गुरु पूर्णिमा मैम, कल मैं भी आपको बधाई दी थी मैम। एक्चुअली मैं यही पूछना चाह रही थी कि मेरी बेसिक भी 6 है और डेस्टिनी भी 6 है। ओके। हाँ तो मैं पहले भी एक सवाल था, उस दिन एक दिन मैंने करी थी जो एस्ट्रोलॉजी में थे ना धन योग का, उस दिन मैं आपसे बात करी तो परिवर्तन योग का मेरी थी। मगर मैंने एक एस्ट्रोलॉजी को दिखाई मेरी चार्ट ना, उन्होंने बोले कि अक्टूबर में तुम गिव अप कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। फिर भी मैं हर तेरों में ज्वाइन हो रही हूँ, स्विच बोर्ड में जो सब में ज्वाइन हो रही हूँ, मगर डर लग रहा है कि शायद मैं गिव अप ना कर लूँ। यही देखो पहली बात तो कल है ही मैंने ये बात समझाई थी कि थोड़े दिनों के लिए अपने दिमाग से सारी बातें निकाल दो, पहले जो सीखा है वो भी भूल जाओ, किसी ने कुछ कहा है वो भी भूल जाओ, क्योंकि अब जो आप लोग सीखने वाले हो उसमें आप अपनी दशा अंतर दशा खुद एनालाइज करोगे, ठीक है। तो हमें जरूरत नहीं है किसी की बातों पे ध्यान देने की। हाँ अगर हमें कुछ दिखेगा तो हम उसको मानेंगे, नहीं तो हम दूसरों की बातों को नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर्स इसलिए भी डराते हैं ताकि आप उनसे कुछ प्रोडक्ट बाय कर लो या फिर दोबारा उनके पास आओ, है ना। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना कि किसी ने कुछ कह दिया और आप उसको ब्लाइंडली मान लो। आप क्यों सीख रहे हो? आप इसीलिए तो सीख रहे हो कि आपको पता चल जाए कि आपका कैसा टाइम है आगे वाला। हाँ, बहुत इंटरेस्ट भी तो बहुत हो रही है सारे कुछ सीखने के विदिन टू या लिए। 3 वीक्स देखो हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा जिसमें योगा, दशा अंतर दशा सब हो जाएगी। आप खुद एनालाइज करोगे, डोंट वरी, और गिव अप विव अप कुछ नहीं करना। हमारे सबके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है, हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, ठीक है। कोई किसी से कम नहीं है, कोई ये ना सोचे मेरे पास ये नंबर नहीं है, मेरे पास ये कॉम्बिनेशन नहीं है। ऊर्जा तो है बॉडी में, एनर्जीज तो है, दिमाग तो है। 7 है मैम मेरे पास, मैं इसलिए मेरे पास 77 है क्योंकि मैं 1977 की। ओके तो आपके पास रिसर्च का भी नंबर है, आपके पास ह्यूमैनिटी का नंबर है, 6 नंबर हेल्प का नंबर है, क्यों नहीं कर पाओगे? थैंक यू मैम। और एक बात है, मैं प्रॉपर्टी के लिए जिस दिन, मैंने कौन से दिन पैसा देना अच्छा होता है मैम न्यू प्रॉपर्टी के लिए? प्रॉपर्टी के लिए ट्यूसडे और सैटरडे। हाँ ट्यूजडे और सैटरडे अच्छा रहेगा ना जी, प्रॉपर्टी? हाँ जी, थैंक हाँ यू जी। मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए आई होप सबका इंट्रो हो चुका है, शैल वी स्टार्ट आर क्लास? कोई यहाँ पे बच्चा है, किसी को कुछ बात तो नहीं करनी मुझसे, बिकॉज अब हम अपनी क्लासेस पे ही फोकस करेंगे। ओके क्लासेस का ऐसे शेड्यूल रहेगा कि हमारी MWF पे क्लासेस रहेंगी, वैसे तो कल नहीं हुई इसलिए आज हो रही है, पर वैसे MWF ही रहेगी। और मंडे और वेडनेसडे 2 बैचेस, फ्राइडे एक ही कॉमन क्लास हुआ करेगी रात की। फ्राइडे आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू टेक 12:30 PM बैच, तो फ्राइडे कॉमन रहेगी, बाकी दोनों दिन हम 2 बैचेस में क्लासेस को करेंगे, एक 12:30 बजे और एक रात को 9 बजे, ठीक है। दोनों लिंक्स इसी ग्रुप में आएंगे, आप दोनों क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको कंफर्टेबल है, आज मुझे सुबह पढ़ना है, आज मुझे रात को पढ़ना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। हम अलग अलग ग्रुप्स नहीं बनाते क्योंकि फिर स्टूडेंट को स्विच करना होता है, कई बार तो प्रॉब्लम होती है, कई बार लोग दो दो बार भी पढ़ लेते हैं, इनको बहुत पढ़ने का शौक है, तो पढ़ो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो पढ़ाना ही है ना, तो कोई इश्यू नहीं है, कोई किसी भी ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है, नो टेंशन, ठीक है जी। चलो लेट स्टार्ट द क्लास। नंबर 1 हम कर चुके थे और हम वैदिक ग्रिड कर चुके थे कि हाउ टू मेक अ वैदिक ग्रिड।
एसआरके बिकम्स अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, तो यस वी ऑल विल बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, लेकिन प्लीज 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 मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, किसी ने आपको कुछ भी बोला है किसी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी ने भी, वेट करो खुद की एनालाइजेशन का, क्योंकि हम यहाँ पर उस लेवल का सीखने वाले हैं जैसे जो एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्ट करते हैं या बाकी के लोग प्रिडिक्ट करते हैं, आप लोग भी प्रिडिक्ट करने वाले हो, क्योंकि हम यहाँ दशा को भी कंसिडर करेंगे, हम यहाँ पर्सनल ईयर को भी कंसिडर करेंगे, जब इतने लेवल्स पे जाके आप प्रिडिक्शन करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। उसके अलावा आप डीओबी से वास्तु तक देख सकते हो, हमारा न्यूमरो वास्तु भी इंक्लूडेड है ना, तो बहुत सारी चीजों से हम अपने आप को बेटर बना सकते हैं, सीखेंगे धीरे धीरे। तब तक प्लीज कोई अपने सबकॉन्शियस को नेगेटिव नहीं करेगा, तीन क्या कह सकते हैं, रेमेडीज कह सकते हैं उनको, वैसे तो एक्टिविटीज है आप लोगों के लिए करने को, मैंने बोला था किस किस ने स्टार्ट नहीं करी अभी तक, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। इतनी इजी मैंने तीन आप लोगों को ट्रिक्स दी थी, अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना है, ग्रो कैसे करना है इस फील्ड में, किस किस ने नहीं करी, डंडा पड़ेगा। और नहीं करी तो क्यों नहीं करी, पूछूंगी मैं क्लास के बाद, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। जैसे जैसे मैं कह रही हूँ बस करते चले जाओ, ठीक है, उसके बाद बाकी के एस्ट्रोलॉजर्स को आप जवाब दोगे कि मैं आपकी दशा बताती हूँ कैसी चल रही है, पहले आप मुझे अपनी डीओबी बताओ। क्या हुआ, कुछ पूछना? ओके, नंबर टू की बात करेंगे आज हम, नंबर वन हम कर चुके हैं। अब कोई भी नंबर आपके चार्ट में कौन से कंपाउंड से आ रहा है, ठीक है, कोई भी नंबर कौन से कंपाउंड से आ रहा है ये बहुत मैटर करेगा। जैसे वन की हमने कल बात की थी, तो 28 का वन स्ट्रगलिंग है, लेकिन डिनाइल नहीं है कि आपको सक्सेस या ग्रोथ नहीं देगा, या आपको अथॉरिटी नहीं देगा, आपको लीडरशिप नहीं देगा, लेकिन वो कौन से कॉम्बिनेशन से बन रहा है ये बहुत मैटर करेगा, ठीक है। अब कितनी बार ऐसा होता है कि चार्ट में एक नंबर के एंटी डॉट्स प्रेजेंट होते हैं, तो अगर एक नंबर का एक एंटी डॉट प्रेजेंट है तो हम ये नहीं बोल पाएंगे कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लीडरशिप नहीं है, तो आज हम एंटी डॉट्स भी पढ़ेंगे, एंटी डॉट्स होते क्या है, क्या बलाया है ये, ठीक है। नंबर्स के बारे में कलर्स का मैं ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुकी थी, मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। कलर्स को हम ऐसे समझेंगे कि अगर आपके पास वो नंबर प्रेजेंट है लेकिन ओवरपावर्ड नहीं है, ठीक है, पढ़ेंगे उसको कि ओवरपावर्ड क्या होता है। अगर ओवरपावर्ड नहीं है तो आप उस नंबर का कलर वियर कर सकते हो उसके डे पर। जैसे हम क्या करते हैं, हम ट्यूसडे को रेड पहन लिया, वेडनेसडे है तो ग्रीन पहन लिया, थर्सडे है तो येलो पहन लिया, बट दिस इज नॉट द थ्योरी। कलर्स हमको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबर्स के पहनने हैं जो हमारे चार्ट में प्योर फॉर्म में, राइट, मिसिंग नंबर के जरूरी नहीं है पहनने, ओके, वो आपको कोई रिजल्ट नहीं दे देंगे, सिर्फ कलर पहनने से कोई नंबर एक्टिवेट हो नहीं जाएगा, ओके। ओवर पावर्ड नंबर्स के बिल्कुल अवॉइड करने हैं, उनके कलर्स वेयर नहीं करने। ये कलर थ्योरी होती है जो लॉजिकल कलर थ्योरी है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं पहले इस चीज को।